गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मिट्टू की तरफ से भी आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज मैं मिट्टू की ब्रेकफास्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। विंटर में मैं स्पेशली मिट्टू के लिए क्या ब्रेकफास्ट मतलब देती हूँ। ब्रेकफास्ट लंच तो अलग होती है, और ब्रेकफास्ट में स्पेशली क्या देना चाहिए और क्या हेल्दी होती है वो ही मैं दिखाऊंगी। जैसे ही ब्रेकफास्ट की प्लेट मैं हाथ में लूंगी, वैसे ही देखिए मिट्टू मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये उसको बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है। आ मिट्टू, आओ। देखिए मिट्टू भी आएंगे मेरे पास, कहाँ गए वो देखिए आ रही है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, अगर आप लोग भी शौक से बर्ड्स पालते हो या फिर रेस्क्यू कोई बर्ड है तो आप लोग भी दे सकते हो। मिट्टू मेरे पास रेस्क्यू बर्ड है, ये कहीं नहीं जाती है, उड़ के भी वो रिटर्न आ जाती है, ऐसा वाला बर्ड है। तो और ये सरवाइव बचपन से शायद किसी के पास रहे होंगे, तो इस वजह से ना रुको रुको रुको, देखिए मैं आप लोगों को ना सामने से दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, विंटर सीड्स है ये। ये स्पेशली जो थोड़ी सी मीडियम साइज़ के बर्ड्स होते हैं या फिर उससे थोड़ी सी छोटी, बिल्कुल फिंच या फिर बजीज के लिए ये वाला सीड मिक्स नहीं है। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस होती है, बट ये वाला मिट्टू के लिए पर ये हाथ में अभी आलमंड लेके खा रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मुँह पे आलमंड बादाम आपको दिख रही है। मिट्टू आप शौक से खा रहे हो, और इससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहती है, तो ये मिट्टू के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और क्या क्या है चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, इधर पे मैं रखती हूँ। ठीक है, देखिए ये, देखिए ये चीना बादाम होती है ना, वो बादाम है। आलमंड खा गए, अभी चीना बादाम खा रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ इसके अंदर कौन कौन सी सीड्स है। इधर पे सनफ्लावर सीड है, सूरजमुखी के जो दाने होते हैं ना, बीज होती है वो है। ये चीना बादाम है, इधर पे लौकी का बीज है, ये जो वाइट वाइट कलर की आपको दिख रही है ना, ये लौकी का बीज है। ठीक है, और इसके साथ धान है, उसको वो मुझे बोलना चाहती, मुझे डिस्टर्ब मत करो खाते वक्त। तो लौकी का बीज है, इधर पे है धान, आप देख सकते हो, ये देखिए धान है। ठीक है, कुसुम के दाने हैं, ये वाइट वाइट कलर का ये कुसुम के दाने हैं। ठीक है, और क्या है, और ये करेला के बीज है, करेला की जो बीज होती है ना वो है। ये लौकी का बीज जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली, धान है, आलमंड खा गई है, आलमंड भी रहती है, एक दो डेली में आलमंड भी देती हूँ, मतलब मिक्स सीड्स में ही होती है, और उसके साथ ये बादाम भी होती है, काट बादाम, चीना बादाम क्या बोलती है इसको, ये वाला बादाम। ठीक है, मिक्स पूरा रहती है, तो उसका बॉडी के टेम्परेचर के लिए विंटर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। कितने शौक से खा रही है आप लोग देख सकते हो, और ये वाले दाने का नाम ना मुझे नहीं पता है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ब्लैक कलर की कुसुम के दाने जैसे ही दिखने में है, बट ब्लैक कलर में है, आप लोग देख सकते हो। ये वाला कौन सा दाना है ना, मुझे नाम नहीं पता है। तो ये वाला भी सीड वो बहुत शौक से खाती है, लेकिन ये एक चीज़ मैं बोलूँगी, सनफ्लावर सीड ना इतना बड़ा बड़ा वो नहीं खाती है, इसलिए उसको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है ये वाला खाने में। इसे छोटे साइज़ का वो परफेक्टली खा पाती है, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब फिर से लाऊंगी ना, वैसे वो छोटे वाले ही खाते, इस बार मैं बड़े वाले लेके आई थी, मुझे लगा और शौक से खाएंगे, बट इसको खाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इससे अगर और थोड़ी बड़े बर्ड होते ना तो शायद वो शौक से और अच्छे से खा पाते। देखिए जो जो दाना उसका फेवरेट है वो पहले पहले ख़त्म कर रही है। देखिए मिट्टू तो फिलहाल अभी मेरी गोदी में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। डेली ऐसे बैठ के नहीं करती, आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए वो प्लेट में सामने लाके मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ वो अपनी जगह पे ही बैठ के ब्रेकफास्ट अपना करती है। और डॉलर का भी ब्रेकफास्ट हो चुकी है, डॉलर आज खाई है ब्रेड एंड दही, हम लोग ब्रेड मक्खन दूध खाए है और डॉलर को दिया है ब्रेड एंड दही, तो उसका भी ब्रेकफास्ट हो चुकी है। मेडिसिन भी जो लीवर टॉनिक देती हूँ वो भी मैं सुबह सुबह दे चुकी हूँ ऑलरेडी, और मेरी बातें सुन रही है मिट्टू। देखिए कितना कचरा कर दिया, हाँ, बादाम के छिलके, सनफ्लावर सीड के छिलके।